जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आपको ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और डेली अपडेट चाहिए तो प्लीज गाइज आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं लर्निंग टाइम को ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड डेली जानकारी के लिए। सबसे पहले हम फ्रेंड नोटिफिकेशन की तरफ चलेंगे, जहां पर मैं आप लोगों को डिटेल और जानकारी दे सकूं। तो फ्रेंड यहां पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिविलियन ग्रुप सी एमएच अहमदनगर महाराष्ट्र। एप्लीकेशन फॉर्म इंडियन एलिजिबल इंडियन नागरिक जो है आपको नीचे दे रखी है वैकेंसी उसके बारे में। एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली कंप्लीट और रेस्पेक्ट रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके पहुंचने चाहिए इस दिए गए एड्रेस पे अहमदनगर के 45 डे के आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर वाले पर। यहाँ पे कुक की और वार्ड आपका सखियों की वैकेंसी है, सॉरी वार्ड सहायक की वैकेंसी है 10 और 57 वैकेंसी, टोटल 67 है। यू आर कैटेगरी में कुक की 8 और वार्ड सहायक की 20, एस सी में 0, 12 यहाँ पे 1, 2 ओबीसी 12 यहाँ पे 12 और 3 यहाँ पे आपकी वैकेंसी है, ठीक है। L2 कैटेगरी और L1 18 से 25 आपकी दे रखी आयु, हाई स्कूल पास फ्रॉम आप रिकॉग्नाइज बोर्ड से, मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड, हाई स्कूल पास आपका यहाँ पे दे सकते हैं रिकॉग्नाइज आपका बोर्ड से, एक्सपीरियंस डाई इन फैमिली विंग ऑफ सिविल हॉस्पिटल 3 साल का एक्सपीरियंस ट्रेड ऑफ दाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बाकी आपकी अन्य डिटेल है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप तो डिटेल दे सकते हैं, यहाँ पे आपको देखिए फिजिकल डिसेबल है 40% से अबव तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कैंडिडेट पुट थ्रू सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन विल बी मेड एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट नियम के अनुसार बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई और स्किल टेस्ट के। इंपॉर्टेंट आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, क्लोजिंग डेट से पहले आपको 45 डे जो है आपको दिए जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में निकलता है, ठीक है। तो आपको आवेदन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सन वर्किंग सेंटर स्टेट या PSU मस्ट अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल के द्वारा आना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं और बाकी आपके अन्य डिटेल है वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो है वैकेंसी है आपको ऑल इंडिया लाइबिलिटी रहेगी, आपको कहीं पे भी ऑल इंडिया में प्लेस किया जाता। ऑल इंड कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं जो सेल्फ आपका जो है इंक्लोज सेल्फ एड्रेस एनवेलप में फ्री फॉर्म पोस्टल ऑर्डर दे सकते हैं 100 रुपये आपको इस दिए गए देखते हैं कमांडेड मिलिट्री हॉस्पिटल अहमदनगर 2 रिसेंट साइज फोटो के साथ, ठीक है। यहाँ फी एग्जाम आएंगे एज पर द गवर्नमेंट नियम के अनुसार, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ PPO डिस्चार्ज बुक इन केस एक्स सर्विसमैन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट और इकोनॉमिक सेक्टर सर्टिफिकेट विल बी अटैच विल सेल्फ अटैच होगा फॉर द पर्पज इंडियन नेशनल एनी वन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट 24 साल सर्टिफिकेट नेशनल आपका सर्टिफिकेट इंडियन पासपोर्ट परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है यहाँ कैंडिडेट मस्ट क्लियर आपको सुपरस्क्राइब में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर ऑन द टॉप ऑफ एनवेलप एनवेलप के ऊपर कैपिटल लेटर में रिजर्व कैटेगरी आपको कैंडिडेट शुड ऑल्सो राइट डियर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपको उल्टे हाथ पे एनवेलप पे आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे इनकम्प्लीट या अनसाइंड एप्लीकेशन विदाउट लेफ्ट या राइट थंब इंप्रेशन की आपको यहाँ पे इनकम्प्लीट माना जाएगा, ठीक है। आपको एप्लीकेशन फिल्ड करनी है इंग्लिश या हिंदी में दोनों भाषाओं में, ठीक है। यहाँ पे आपको देखते हैं एप्लीकेशन थ्रू रजिस्ट्रेशन स्पीड पोस्ट एप्लीकेशन शुड बी इस दिए गए एड्रेस पर पहुंचनी चाहिए, ठीक है, ये आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं देर विल बी नेगेटिव मार्किंग द रिटन एग्जामिनेशन नेगेटिव मार्किंग होंगी, ठीक है। Until will not be responsible injury during written physical trade test, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्र पे रहते हैं आसाम मेघालय अरुणाचल प्रदेश मिजोरम में 7 दिन को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। लद्दाख सिक्किम सब डिवीजन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं जो डिटेल है वो देखने मिलेगी आपके एग्जाम की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25-25 दो घंटे का समय होगा सारे क्वेश्चन को, जनरल इंग्लिश 50-50 जनरल इंग्लिश 50-50 25-25, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपके क्वेश्चन रहेंगे 150 दो घंटे समय,
यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, ये आपका फॉर्म रहेगा, यहाँ पे आपकी पोस्ट और रेफरेंस एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर एडवर्टाइज नंबर डेट, यहाँ पे आप देखते हैं अपना कैपिटल में नाम हिंदी में अंग्रेजी में, हस्बैंड या पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ एज पर द स्कूल की मार्कशीट के अनुसार, एज ऑन लास्ट डेट आप रिसीड है जो आपको लास्ट डेट होगी 45, जो मान लीजिए आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर से आता है उसके उस दिन से 45 डे काउंट करेंगे, वहां पर आपका ईयर मंथ और डे यहाँ पे बताने, आप किस कैटेगरी से हैं, नेशनलिटी रिलीजन, यहाँ पे आपको देखते हैं अपना जानकारी देने, हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस, तहसील, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, आपका स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे, इसी तरीके से यहाँ पे डिटेल भरेंगे, नेम ऑफ एग्जाम पास जो आपने पास किया ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ रिकॉग्नाइज बोर्ड, आप परसेंटेज मार्क, डिविजन, रिमार्क, ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं एक्सपीरियंस यदि है उसके बारे में, वेदर गवर्नमेंट है यदि तो उसके बारे में जानकारी देंगे, डिक्लेरेशन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, पोस्टल आपका ऑर्डर डीडी फेवर आपको बताना है, पोस्टल ऑर्डर नंबर, डीडी नंबर, डेट आपका 100 रुपए का, अटेस्टेड कॉपी यहाँ पे कितनी सीटें हैं, जैसे 4 सीट जमा करते हैं 4, सिग्नेचर कैंडिडेट का नाम और लेफ्ट टर्म यहाँ पे, ठीक है, फॉर मेल और फीमेल के लिए राइट टर्म, सिग्नेचर वो कैंडिडेट यहाँ पे आपको करना है, ठीक है, इस तरीके से फ्रेंड यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं जो कि इंडियन आपकी आर्मी में निकली वैकेंसी के लिए। आई होप आपके उसमें सारे डाउट क्लियर हो, अगर आपको कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं फॉरम फिल्म में, ये लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल जुड़े, सब्सक्राइब करें, लर्निंग टाइम को, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।